नमस्कार, स्वागत है आपका फार्म ऑफ द जर्नलिस्ट में। मैं रोशन कुमार आज सकरा वाजीद के बंगाही गांव में हैं। बंगाही गांव के हर्ष रंजन जी जो युवा किसान हैं और काफ़ी बागवानी को लेकर अपने खेती करते हैं, आज इस प्लॉट में हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ यहां पे केवल आम की खेती की जा रही है। आम की खेती क्योंकि फरवरी से मंजर शुरू हो जाती है, तो कैसे इन सारी चीज़ों को देख रेख करते हैं, इन सारी चीज़ों पर विस्तारित हम बातचीत करते हैं। पहले तो फार्म ऑफ द जर्नलिस्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम हर्ष रंजन हुआ, सकरा वाजिद से, और ये आप आम का बागान देख रहे हैं। मैं बहुत सारे किस्म का आम है, मुख्यतः सफ़ेद मालदा और सुक्कुल है, लेकिन बाहर से भी बहुत तरह का पौधा इसमें मंगाया गया है। जैसे बंगाल का हेमसागर हुआ, यूपी के मलिहाबाद से दशहरी लाए हैं, ठीक ना। ये हापुस का पेड़ देख रहे हैं जो महाराष्ट्र से रत्नागिरी का वेराइटी है। तो नई नई वेराइटी भी बहुत सारा है, मियाँ जाकी भी है, लेकिन मुख्यतः इसमें सुक्कुल, सिपिया और मालदा ही है जो अपने बिहार का फेमस आम है, ठीक ना। इसमें कितने एकड़ में कर रहे हैं सारे चीज़ों की खेती? देखिए, आम का तो 4 एकड़ में खेती कर रहे हैं, ठीक ना। सेब का आप कर ही चुके हैं, लीची है वो अलग है। तो ये 4 एकड़ आम का है प्लॉट। ये ज़्यादा नया गाछी है, 15-16 साल का ये बगीचा है, ठीक ना। ये लगभग बुझिए जो 10 साल से फलन में भी है, अच्छा फलन होता है और अच्छा दाम पर, उचित दाम भी हमको मिल रहा है इसका। अच्छा, तो कहीं ना कहीं फरवरी से सारा चीज़ मंजर का आना शुरू हो जाता है, शुरुआती हो जाती है। मौसम का क्या रहता है वो तो मौसम पे डिपेंड करता है, लेकिन आप इन सारी चीज़ों को देख रेख कैसे करते हैं, क्योंकि बगान बड़ा है तो देख रेख बढ़ती होगी। बगान बड़ा है तो चूँकि देखिए, जिस समय फल का तुराई हुआ पिछले साल, तुराई होने के बाद इसमें जो सूखा हुआ डाली है या बेकार डाली है उस सब का कटाई करवाए, उसके बाद जड़ में बर्मी दिए, ठीक न, उसके पोटास दिए, नीम का खल्ली दिए कीड़ा के लिए, ये कीड़ा का दवाई दिए। उसके बाद अब जो धूप जैसे ही आना शुरू होगा, इसमें छिड़काव होगा दवा का, जिसमें मुख्यतः मेन दवा हुआ आपका सल्फर और एक कीटनाशक, ये दोनों का छिड़काव होगा जिससे मंजर अच्छा आएगा। क्या बर्मी का भी इस्तेमाल करते हैं या खल्ली का? बर्मी और नीम के खल्ली दोनों का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, क्या मात्रा होती है इनकी? देखिए, ये पेड़ है तो इस पेड़ में 15-20 kg पर पेड़ के हिसाब से दे देते हैं। और देख रेख कैसे करते हैं, क्योंकि मौसम बदलता है तो देख रेख बढ़ती होगी, मौसम को लेकर कैसे आप सारी चीज़ें? देखिए, चूँकि हम लोग व्यापारी के हाथ से बेच लेते हैं 1 साल का, लेकिन व्यापारी भी है, वो भी जैसे अभी भी आए हुए थे दरवाजे पर मिल के गए हैं, वो भी बोले जैसे ही समय, अभी तो 12 बजे तक कुहेस रहता है, सुबह 8-9 बजे से जिस दिन से धूप होने लगेगा बस इसका दवा का छिड़काव शुरू हो जाएगा। दवा का छिड़काव, तो कहीं ना कहीं सरकार ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रही है, प्रकृति खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप इनके रुझान आपकी बढ़ नहीं पा रही है? नहीं, तो ऑर्गेनिक में बोले ना, बर्मी देते हैं, नीम का खल्ली देते हैं, जिससे फल में टेस्ट अच्छा आता है, क्वालिटी अच्छा आता है, फल सड़ता नहीं है। ये क्या ऑर्गेनिक या प्रकृति खेती को लेकर ऐसा कोई दवा नहीं बना, मतलब कोई ऐसा चीज़ नहीं जिसकी आप छिड़काव कर सके? है तो, और ये सल्फर तो मान के चलिए ऑर्गेनिक ही हुआ, ठीक ना, और सल्फर के साथ एक कीटनाशक का यूज होता है जो कीड़ा मकड़ा है वो मर जाए, जिससे मंजर फ्रेश निकले, मंजर में कीड़ा नहीं लगे। और कैसे देख रेख करते हैं सारी चीज़ों को, पानी का कैसे करते हैं? देखिए, अब ज़रूरत है, फल जिस टाइम में टिकोला का साइज का होता है उस टाइम में अगर बारिश नहीं होती है तो इसमें सिंचाई भी करवाना पड़ता है। 4 एकड़ में कितना कमा लेते हैं, क्योंकि खेती की बात आई, किसानी की बात आई, तो कमाई की भी बात। देखिए, तो जो हम दवा देते हैं, बर्मी देते हैं, खाद देते हैं, वो सब काट के हमको 1 एकड़ में 1-1.25 लाख रुपया होता है पर एकड़, उसी हिसाब से 4 एकड़ का 4.5-5 लाख के आसपास हो जाता है। चलिए, सारी चीज़ों को बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा किस तरीके से 4 एकड़ में 4-5 लाख रुपये ये कमा रहे हैं। अगर आप भी आम की खेती करना चाहते हैं या आम को लेकर आप अगर अपना रुझाव रखते हैं उधर, अगर आम की खेती करने में अपना दिलचस्पी रखते हैं, तो हर्ष रंजन जी से मिल सकते हैं, इनसे इन चीज़ों को लेकर जानकारी ले सकते हैं, कैसे इन्होंने खेती करते हैं, कैसे इन्हें बाज़ार तक पहुंचाते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।